नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी दूर नहीं टॉप 10 करंट अफेयर्स के लिए हमारी सीरीज़ का पार्ट टू मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं 9 से 31 अगस्त तक आए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि संभावना है कि आगामी ग्रुप डी परीक्षा जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना बनी रही है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इजी नौकरी या रेलवे एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ किसी भी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं सभी से मैं अनुरोध करूँगा सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1912-13 के जो सेशन था उसमें मिला था, और इन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था, इनकी जो फेमस पुस्तक है गीतांजलि के लिए। किस देश ने बुद्ध विरासत बिम्स्टेक बौद्ध त्यौहार 2017 की मेजबानी की, तो ये की भारत ने। इसके अलावा दोस्तों पूछा जा सकता है बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ, तो ये अभी संपन्न हुआ है काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। मैन ऑफ बुकर पुरस्कार 2018 किसे मिला या किसने जीता, तो ये पोलैंड की निवासी हैं ओल्गा टोकारचुक, ये पोलैंड का पहला ऐसे व्यक्ति है जिसे कि मैन ऑफ बुकर पुरस्कार 2018 मिला है, महिला हैं ये, ठीक है। लंदन से होकर कौन सी नदी गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों टेम्स नदी लंदन से होकर गुजरती है। कैप ब्लांका शतरंज टूर्नामेंट के विजेता कौन बना, तो शशिकरण जिन्होंने कि कैप ब्लांका शतरंज टूर्नामेंट जीता। पौंडेचेरी में श्रमदान जो आंदोलन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पौंडेचेरी की जो लेफ्टिनेंट जनरल है ना किरण बेदी, उन्होंने श्रमदान आंदोलन को लॉन्च किया। स्वेज नहर किन दो समुद्रों के बीच है, तो किन दो सागरों के बीच है अगर हम कहें तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच पोर्ट स्वेज नहर बहती है, और ये यूरोप को एशिया से जोड़ने का कार्य करती है। सचिन तेंदुलकर द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो 100 MB सचिन तेंदुलकर के द्वारा ऐप जो है लॉन्च किया गया। ये खेलों से संबंधित या सचिन से रिलेटेड जो भी खेलों से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। 2018 का राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा किसने जीता या किसे मिला, ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं, इन्हें राजीव गांधी 2018 का सद्भावना पुरस्कार मिला। 2017 की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ये विलेज रॉकस्टार जो कि असम की मूवी है इसको मिला था, अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो ये न्यूटन को मिला था जो चुनावों से रिलेटेड थी, राजकुमार राव की फिल्म थी। तो दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन हो गए जो कि एएलपी परीक्षा में अभी फ़िलहाल में ही पूछे गए थे, हो सकता है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी परीक्षा में मिले। इसके अलावा अगले टॉप 10 क्वेश्चन के साथ मैं जल्दी फिर से तुंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।